गैस एजेंसी खोलकर ऐसे करे बम्पर कमाई। हर महीने आप कमाए 40 से 50 हज़ार रुपये। 10वीं भी पास कर सकते हैं इसमें आवेदन। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। एलपीजी गैस एजेंसी लेकर करें तगड़ी कमाई। 10वीं पास भी कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके टू न्यूज में। नई दिल्ली, क्या आप बेरोजगार है या फिर नौकरी से बोर हो गए हो या अपना बिजनेस शुरू करके खुद का बॉस बनना चाहते है? अगर ऐसा है तो हम आपके लिए एक बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं। हर महीने आपके घर सिलेंडर कहां से आता है? जवाब है गैस एजेंसी से। आपने कभी सोचा है कि गैस एजेंसी किसकी होती है? अगर नहीं तो सोचिए, क्योंकि ये गैस एजेंसी भी आप खोल सकते हैं या जिसमें आपको पहले दिन से कमाई होगी। यहां हम आपको बताएंगे कि आप गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने का तरीका। कैसे मिलेगी डीलरशिप? गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने से पहले आपके पास उससे जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैस कंपनियां की तरफ से डीलरशिप दी जाती है। ये कंपनियां अपने विवरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए शहरों में डीलरों की तलाश करती है। उसी के आधार पर गैस एजेंसी की डीलरशिप दी जाती है। गौरतलब है कि अगले साल मार्च तक गैस कंपनियों को और नए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होंगे, यानी गैस एजेंसी डीलरशिप के लिए जल्द ही प्रोसेस शुरू हो सकती है। इसलिए आप पहले से ही तैयारी शुरू कर दे। इन राज्यों में है ज्यादा मौके। बताया जा रहा है कि गैस कंपनियां कुछ चुनिंदा राज्यों में ज्यादा ध्यान दे रही है। इनमें यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र शामिल है। ध्यान रहे कि अगर आपको लाइसेंस मिल जाए तो गैस एजेंसी स्थापित करने में एक साल का समय लग सकता है। इसकी वजह है कई मंजूरियां का हासिल करना है जिसमे कुछ मुबीने लग सकते है, मगर एक बार ये सब हो जाता है तो आपको तगड़ी कमाई का मौका मिलेगा। कैसे करे इसमें आवेदन? सरकारी गैस कंपनियां जैसे इंडियन, भारत गैस, एचपी डीलरशिप के लिए विज्ञापन देती है। इन विज्ञापनों के जरिए इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे जाते हैं। इसके लिए आपको अखबार, इन कंपनियों की वेबसाइट पर ध्यान देना होगा, बल्कि नियमित रूप से चेक करना होगा। जब भी मौका मिले तब आप निश्चित फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पूरी गाइडलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी। आखिर में लॉटरी सिस्टम में डीलरशिप दी जाती है, यानी जिसका नाम लॉटरी में आएगा उन्हें डीलरशिप मिलेगी। 10वीं पास कर सकते हैं इसमें अप्लाई। कोई भी 10वीं पास व्यक्ति गैस एजेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पहले इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य था, मगर अब आप 10वीं पास होने पर भी गैस एजेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें एक नियम आयु का है। इसमें अधिकतम 60 साल की आयु का वाला व्यक्ति गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, मगर नियम में यह भी बदलाव किया गया है। पहले अधिकतम आयु की लिमिट 21 से 45 साल तक ही थी। ये नियम भी बदला। कंपनियों की तरफ से फैमिली यूनिट की परिभाषा भी बदल दी गई है। अब माता पिता और पति पत्नी, भाई बहन के अलावा सौतेले भाई बहन, गोद लिया बच्चा, दामाद, भाभी, सास ससुर, दादा दादी को भी जोड़ा जा सकता है। पहले इसमें आवेदक के अलावा पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ही होते थे। बहरहाल बिजनेस टिकाऊ जो आपके जीवन पर तगड़ी कमाई कराएगा। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।